बलरामपुर जिले में जमीनी विवाद को लेकर आए दिन मारपीट व हत्या किए जाने का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला उतरौला से सामने आया है, जहां पर दो पड़ोसियों के बीच ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आज पहले से घात लगाकर बैठे राम वृक्ष ने फावड़े से वार कर हीरालाल की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उतरौला कोतवाली के ग्राम बड़हरा कोट गांव की है। यहां दो पड़ोसियों राम वृक्ष और हीरालाल के बीच ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों परिवारों के बीच विवाद होता रहता था। इसी के चलते राम वृक्ष ने हीरालाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और आज सुबह के समय जब हीरालाल मंदिर से घर को लौट रहा था, तभी फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही उतरौला कोतवाली की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या हुई है। उतरौला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। आज थाना क्षेत्र उतरौला के ग्राम अक्सी बड़ा में घटना हुई है, जिसमें दो पड़ोसी हैं हीरालाल और बिरछे, जिनके बीच में जमीन को कब्जा करने के लेकर सुबह विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान बिरछे के द्वारा हीरालाल पे फावड़े से वार किया गया, जिसमें उनको चोट आई और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के संबंध में थाना उतरौला पे 302 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक हीरालाल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तथा नामजद अभियुक्त बिरछे पुत्र रामशरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।